सो फ्रेंड्स, ये मूर्ति आप देख रहे हैं एकदम गोल्डन से चगमगाता हुआ मूर्ति है। एक लौता एक पीस ऐसा दिखेगा कि ये पूरा शेर माता का शेर मुंह पूरी बॉडी और पूरा जेवर से भरा पूरी गोल्डन आपको दिखेगा। इसमें सब पार्ट्स इनका दिखेगा गोल्डन से। और ये मूर्ति है आपका कचहरी का, तो ये बन चुका है, रेडी हो गया, बस यहाँ से अभी निकल जाएगा। तो आज यहाँ पे आपको लाइट पड़ने के बाद आपको समझ में आता होगा और छिल मिलाता हुआ ये पूरी मूर्ति आप देखेंगे कि एकदम सोने से जैसा लगा, पूरा सोने का ये प्रतिमा बना हुआ है। लेकिन पूरी ग्लिटर का एक्चुअली काम कर दिया गया है यहाँ पे, और जितना भी रोशनी पड़ेगा वो इसकी खूबसूरती और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इस समय है अंधेरा चारों तरफ, आप देख ही सकते हैं कि इस समय हम लोग एकदम अंधेरे में खड़े हैं और ये भैया अपने टॉर्च से दिखा रहे हैं और मेरे मोबाइल के टॉर्च से ही आपको दिख रहा है। तो सोच लीजिए ये क्वालिटी है, और सोचिए इसमें जब मरकरी बड़ी बड़ी लाइट पड़ेंगी तो क्या होगा इस मूर्ति का। और ये चार मूर्ति अंदर है, सॉरी चार मूर्ति यहाँ है और एक मूर्ति जो मेन है दुर्गा माँ का वो अंदर है। तो जहां ये पांचों मूर्तियां रखा जाएगा तो सोच सकते हैं कि कितना औसम लगेगा ये। तो ये है आपका कचहरी का मूर्ति। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोग आ गए हैं और ये जो बन रहा है ये प्लाईवुड का है, प्लाईवुड पे जो डिज़ाइन बन रहा है ऊपर आप देख सकते हैं कि पेपर का डिज़ाइन है। और ये बंगला चाल के मूर्ति के जस्ट बैक साइड में सुलगाया जाता है। तो अभी काम चल रहा है यहाँ पर और हम लोग आए हैं शीतल चौरसिया जी के यहाँ, जो बन रहा है यहाँ पर मूर्ति। और बनारस के बहुत ही फेमस जगह का मूर्ति ये बना रहे हैं अपने यहाँ पर। और जैसे कि उसमें से एक आपको दिख जाएगा काजू किशमिश का मूर्ति, जो कि अभी तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका है काजू किशमिश का मूर्ति बन रहा है और ये अभी अनकम्प्लीट है, ये पूरा कम्प्लीट अभी होना बाकी है, ये आप देख रहे हैं। और ये हो गया आपका किशमिश, काजू, ये आपका बादाम और ये तिल विल है, ये सब सारा चीज़ बना हुआ है। ये माता सरस्वती थे, माँ ये है माता लक्ष्मी जी, ये भी पूरा इनका पूरा ड्रेस व्रेस देखेंगे तो पूरा किशमिश से बना हुआ है। और ये है शेर, ये भी पूरा किशमिश काजू और तिल से पूरा बना हुआ है, पूरा मेवा का बना हुआ है ये। और साथ में देखेंगे कि अंदर कितनी भरमार में मूर्तियाँ लगे हुए हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ बनारस के बड़े बड़े जगह जहाँ मूर्ति बन रहा है, हम लोग आके वहाँ पे आपको दिखा रहे, विजिट करा रहे कि कहाँ कैसे किसका बनारस के लोगों का जो फेमस मूर्तियाँ हैं वो कहाँ कहाँ बन रहा है वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और साथ में पीछे आप देखेंगे ये है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, ये भी किसी पंडाल के जस्ट आगे इसको लगाया जाएगा और इसकी भी हाइट 15 से 16 फीट का ये प्रभु श्री रामचंद्र का। आप देख ही सकते हैं कि मूर्ति को हाइट कितना है यहाँ पे और ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाइट कितना है, तो बहुत ही ज़्यादा विशाल बड़ा ये राम जी की प्रतिमा है। फ्रेंड्स, ये प्रतिमा जूट के रस्सी से बन रहा है और बनारस के गीता मंदिर के पंडाल में ये स्थापित किया जाएगा और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है ये प्रतिमा। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे इस मूर्ति को जो बागेश्वरी जी की है और ये बन रहा है बांस के छाल का, जैसे कहते पूरा भी कह सकते हैं, पूरा के को कटिंग करके ये बनाया जा रहा है। और साथ में ये आपका है रस्सी वाला जो अभी आपने दिखाया है और उसके बगल में ये है काजू किशमिश से निर्मित माँ का भव्य मूर्ति जो बन रहा है आपका, काजू किशमिश बादाम और तिल से बन रहा है ये पूरा। और इसमें देख सकते हैं कि कितना भव्य बनने के बाद ये लग रहा है। और ये बन जाएगा मूर्ति आपका शिवाला पे, जहाँ बताया शिवाला पे। और ये भी आपका जो सरस्वती माँ का देखेंगे कि आप पूरा के जो छाल होते हैं उसको कटिंग कर करके इस प्रतिमा का निर्माण किया गया, ये बागेश्वरी जी का ही है। ये माँ सरस्वती थी और वो थी माता लक्ष्मी। आपको ये कंप्लीट हो चुका है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे और भी मूर्तियाँ हैं जो कि आज यहाँ से कुछ मूर्तियाँ पहन के चली जाएगी और बहुत हैवी मूर्ति आप देखेंगे कि यहाँ भी कितना हैवी मूर्ति है, कम से कम ये भी 15-16 फीट का है। और एक मूर्ति मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत मूर्ति है, ये देखिए। है कि नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि इनका ड्रेस व्रेस बहुत अच्छा से बनाया गया, पूरी बाजूबंद लगा के इनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे अच्छा लगता है कि इनका जो ये बाल लगता है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बंगला चाल में कुछ दिया हुआ है, अब देख सकते हैं कि बंगला चाल के जो मूर्ति का रहता है फेस और लुक सबसे अलग ही रहता है, हट के रहता है। और इनका जो ड्रेस व्रेस देखेंगे कुछ इस टाइप से पहनाया जाता है इनको। Okay.
खूबसूरत मूर्ति आपको और मैं दिखा रहा हूँ, ये है वो, है कि नहीं फ्रेंड्स? बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा ये मूर्ति आपका हैवी है। कुछ मूर्तियां आपकी इधर भी रखा हुआ है, जो कि कल परसों तक में ये भी सारा मूर्तियां डिस्पैच कर दिया जाएगा, जहां जहां पंडालों में वहां भेज दिया जाएगा। हर टाइप का, हर डिजाइन का यहाँ प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा विकराल बाल वाल खुला हुआ, इसमें मुकुट उकुट नहीं पहनेंगे ये। और साथ में एक और मैं दिखाता हूँ जो कि ब्लू कॉन्सेप्ट में है फ्रेंड, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, तो ये फ्रेंड्स सबको मिलाते हैं, जो यहाँ के ओनर है, जो बनाते हैं काफ़ी मूर्तियाँ जिनके हाथ का बना हुआ है, वो आपके हैं यहाँ पर शीतल चौरसिया जी, वो ये हैं फ्रेंड्स, और यही पूरा यहाँ का कारोबार संभालते हैं। और मैं देख रहे जो भी काम चल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री अधिक से अधिक कर दिया गया है, और बचा है टाइम 1 से 2 दिन बचा हुआ है, तो यहाँ पे जोरों शोरों में लोग लगे हुए हैं। और जो यहाँ पे मेन बनाने वाले हैं, जो भैया भैया बैठे हुए हैं, वो इनका नाम है शीतल चौरसिया जी, जो कि लगे हुए हैं काम में, इनसे बात करने का भी टाइम नहीं एक्चुअली, तो रात दिन खाना पीना छोड़ के लोग लगे हुए हैं। ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितनी अनकम्प्लीटेड कम मूर्तियां हैं जो कि अभी लोग रेडी करने वाले हैं, कल परसों का ही टाइम है तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लाईवुड है, प्लाईवुड पे ही बंगला चाल का जो भी होता है आपका डिज़ाइन विज़ाइन, वो ये कंप्लीट कर रहे हैं। और ये कंप्लीट करने के बाद आज ही मूर्ति को डिस्पैच कर दिया जाएगा। और ये सब सारी जो भी बड़े बड़े पंडालों की मूर्तियां होती हैं, जैसे कि आपके बागेश्वरी धाम का है और कचहरी का है, मतलब फेमस जो भी जगह का है, वो ये भाई साहब ने अपने यहाँ ही तैयार किया है। तो एक अभिजीत दादा है, और दूसरे नंबर पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपको शीतल चौरसिया जी के, तो इनकी भी अपनी कारखाना यहाँ पे है, तो इनके यहाँ भी बहुत फेमस बनारस के फेमस फेमस जगहों का मूर्तियाँ यहाँ पे निर्माण किया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर हम लोग आगे चलने वाले हैं किसी और पंडाल में चलेंगे, क्योंकि नवरात्रि अभी चालू हुई है, तो अभी हम लोग को बनारस के हर फेमस जगह जाना है जहाँ पे मूर्तियाँ अच्छी अच्छी हों और पंडाले जो भी हों, तो वहाँ मैं विजिट करूँगा और अपने वीडियो के माध्यम से आपको सारा जगह का बनारस के हर एक फेमस जगह मैं ले चलने वाला हूँ। तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि और बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर दिया। आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक सीधे पहुँच जाए, तो वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मैं इसी तरह फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय और हर हर महादेव।